अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम दामन डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर दामन डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने टिशू लिया, आप फैब्रिक भी ले सकती हैं, और ये मैंने कंट्रास्ट कलर में टिशू लिया। आप भी यहाँ पर कंट्रास्ट कलर में टिशू ले सकती हैं या फिर फैब्रिक ले सकती हैं, और उसकी चौड़ाई और लंबाई आपने 2 इंच तक लेनी है, और इस तरह से स्क्वायर आपने फैब्रिक लेना है और इसको फोल्ड करके आपने इस तरह से ट्राइंगल्स बना लेने हैं, और उसके बाद इस ट्राइंगल की जो ओपन वाली साइड है उस साइड से आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाए और आपको बाद में इसको स्टिचिंग करने में आसानी हो। तो इस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर फैब्रिक कटिंग कर लिया और सारे ही हम ऐसे फोल्ड करके ट्राइंगल्स बनाते जाएंगे और उसके ऊपर हम लोग सिलाई लगाते जाएंगे। और अब यहाँ पर सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर कटिंग कर लेना है, एक पैर तक छोड़कर फैब्रिक। ये सारे हमने इस तरह से ट्रायंगल्स बना लेने हैं। और यहाँ पर व्यूवर्स, एक आपने डोरी भी पलटा लेनी है और इसको भी लंबाई में 2 इंच तक आपने लंबाई में कटिंग कर लेना है। अगर आपको डोरी पलटानी नहीं आती तो डोरी पलटाने की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप चैनल को विज़िट कर लीजिएगा। और इस तरह से आपने 2-2 इंच तक लंबाई के डोरी के पीस भी कटिंग कर लेने हैं। ये वाली आपको सारी चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पर दामन पर डिज़ाइन बनाना है तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लेना, उसकी चौड़ाई 1.5 इंच तक लेनी है और लंबाई हमने अपने दामन के जितनी लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर व्यूवर्स, हम इस पेपर के ऊपर अपने ट्रायंगल्स को और जो हमने डोरी कटिंग की थी उसको हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ट्रायंगल को रखना है और यहाँ पर जो सिलाई हमने लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आएगी, और इसके हमने इस तरह से लूप्स बनाने हैं। ये हमने बिल्कुल साथ जोड़कर हमने लूप नहीं बनाने, सेंटर में हमारा ये देखें 1/2 इंच का गैप रहेगा इस लूप के सेंटर में, ये इस तरह से गुलाई में लूप आएगा ऐसे ही। अब आगे की तरफ हमने बिल्कुल साथ रखकर ट्रायंगल स्टिच करना है, फिर आगे की तरफ हमने लूप लगाना है। ऐसे ही व्यूअर्स, हमने इस पूरे पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाते जाना है, ट्रायंगल हमने लगाना है। ट्रायंगल मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट कलर का लगाया है टिश्यू, और जो यहाँ पर लूप लगाए हैं वो मैंने सेम कलर में लिए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल फैब्रिक लिया है। और व्यूअर्स, आप इस डिज़ाइन को एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट पर या मतलब प्रिंटेड सिंपल किसी भी शर्ट पर आप बना सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा भरा भरा डिज़ाइन नहीं चाहिए तो आप इस तरह से सिंपल सा भी सकती हैं। और दामन डिज़ाइन की और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने दामन पर मैंने ये बॉर्डर को अटैच करना है, तो यहाँ पर मैं ये बॉर्डर लगा रही हूँ। बॉर्डर के एक तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके और इस ट्राइंगल्स को नीचे रख कर यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा कर स्टिच कर लूँगी। अगर व्यूअर्स आपका बॉर्डर ना हो तो आप फिर इस तरह करिएगा, 2 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक ले लीजिएगा और फिर उस फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा, और स्टिचिंग करते वक्त फैब्रिक उल्टी वाली साइड पर ले जाएगा और सीधी वाली साइड जो है वो आपकी प्लेन आ जाएगी। अभी ये देखिए बॉर्डर के साथ मैंने अटैच कर लिया ना, तो अब मैं यहाँ पर अपनी कुर्ती को उल्टा करके रखूँगी ताकि बॉर्डर मेरा सीधी वाली साइड पर पलट जाए, और अगर आप फैब्रिक लाएँ तो फिर आप सीधी वाली साइड पर रखिएगा, रख कर स्टिच करिएगा ताकि आपका जो फैब्रिक है वो उल्टी वाली साइड पर पलट जाए। तो अभी मैंने कुर्ती को उल्टा रखा हुआ है, बॉर्डर को सीधा रखा है, और यहाँ पर जो हमने बॉर्डर के अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रखकर हम लोग सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस बॉर्डर को हम सीधी वाली साइड पर पलटा लेते हैं और ये इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी अंदर की तरफ कवर हो जाएगा। अब इस साइड से बॉर्डर के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम अंदर की तरफ कवर कर लेंगे और इस साइड पर भी हम किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा बिल्कुल सफाई के साथ हमने इस डिज़ाइन को रेडी कर लिया, और अभी हम यहाँ पर ये सारा पेपर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये डिज़ाइन, और ये पहनी हुई भी शर्ट जो है बहुत ही अच्छी लग रही थी, और एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट थी तो मैंने ज़्यादा भरा भरा डिज़ाइन नहीं बनाया। आप भी प्रिंटेड पर सिंपल पर भी आप बना सकती हैं अगर आपको ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ाइन नहीं अच्छे लगते। बाकी आप लोगों को और भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दामन डिज़ाइन की वीडियोज़ चैनल पर मिल जाएंगी, नेक्स्ट
डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, कुर्ती डिज़ाइन, फ्रॉक डिज़ाइन, छोटी बच्चियों की डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ भी। तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा और मेरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विज़िट कीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।